वैशाली नगर से नव निर्वाचित विधायक रिकेश सेन लगातार सरकारी विभागों के साथ व्यवस्था ठीक करने के लिए बैठक ले रहे हैं। गुरुवार को पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की गई, जिसमें व्यवस्था सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की पहल की जाने की बात की गई। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट एवं आबकारी विभाग के साथ विधायक ने बैठक ली। बैठक के बारे में उन्होंने मीडिया को कुछ इस प्रकार से बताया। आज आबकारी विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये दो लोगों से एक परिचयात्मक बैठक थी, क्योंकि नव निर्वाचित विधायक हुआ हूँ और सभी विभागों में एक परिचय होना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि उनकी कार्यशैली कैसी है, किस रूप में काम कर रहे हैं, कौन कौन कहाँ पदस्थ हैं, किन किन अधिकारियों के पास क्या क्या जवाबदारियाँ हैं, इस विषय को लेकर आज एक परिचयात्मक बैठक हुई है। उसमें मैंने दोनों विभागों को कुछ पहल करने को कहा है। जैसे कि आबकारी विभाग को आज मैंने कहा है, आबकारी विभाग के साथ साथ तालमेल बैठाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भी मैंने एडिशनल कमिश्नर अशोक द्विवेदी उनको भी बुलवाया था, तो उन दोनों का तालमेल बैठा दिया गया है कि 10 दिन के अंदर कैसे शिफ्ट हो दुकान, अंग्रेजी शराब दुकान जो सड़कों पर है, देसी शराब दुकान जहाँ से हमारी माता बहनें गुजरती हैं, जहाँ से हमारे युवा स्टूडेंट गुजरते हैं, उनको वो दुकानें ना दिखे, तो ऐसी किन स्थानों पे चयन करके हमें जो है उनको भेजना है दुकानों को, तो दोनों का तालमेल बैठा और एक कार्रवाई मैंने कहा है कि 10 दिन के अंदर दे दो, हो सकता है 20 दिन लग जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए, लेकिन उसके लिए एक जो नोटशीट की प्रक्रिया है वो आज से चालू हो गई है। तो एक गंभीर विषय ये था। दूसरा, सभी बार संचालकों को एक नोटिस जाएगा कि जो बार नीति है, जो शराब नीति है, जिसके तहत आपको बार का लाइसेंस दिया गया है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी दुरुपयोग ना हो। आप अगर शराब पिला रहे हैं तो आपको बार के अंदर शराब पिलाना है, न कि आपको शराब बेचना है। आप बोतल बोतल जो बेच देते हैं वो नहीं बेचना है। कई बार से कंप्लेन आ रही है कि वो जो है पोचिया का शराब पिला रहे हैं, तो उन दुकानों को सील करने के लिए मैंने कहा है जैसी जांच में पाया जाता है तो तत्काल सील किया जाएगा, गुमास्ता अनुगप्ति लाइसेंस सब रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई बार संचालक किसी व्यक्ति को बार से बाहर गाड़ियों में, फोर व्हीलर में कोई शराब सप्लाई करता है, तो उस दुकान को तत्काल सील करने के निर्देश और सील करने का पहल और साथ में उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए मैंने कहा है। तो उस दिशा पे और आपको जल्द रिजल्ट दिखेगा। और कोई ऐसे संचालक, होटल संचालक, ढाबा संचालक, जिसके पास बार का लाइसेंस नहीं है, वो बार के लाइसेंस का दुरुपयोग ना करे, और वो जो जिन्हें नहीं है अगर मान लो, तो वो वहाँ पे पिला नहीं सकते, तो जैसी वो सूचना हमको आबकारी विभाग नगर निगम को देगा, तो उस दुकान का भी गुमास्ता अनुज्ञप्ति और साथ में उस दुकान, उस होटल को सील करने का काम होगा। और जिसके पास बार का लाइसेंस है, उसमें नियम ये कहता है कि जो व्यक्ति वहाँ पर स्टे किया हुआ है, जो व्यक्ति उस होटल में स्टे किया हुआ है, उसे ही आप शराब पिला सकते हैं, ना कि मैं अगर कोई दूसरा व्यक्ति गया, जो गया और जाके रूम खुलवा दिया और रूम खुलवा के जो वहाँ पे पीने लगा, तो ऐसी स्थिति अगर किसी भी होटल में अगर दिखी, तो उसका भी गुमास्ता लाइसेंस, अनुगप्ति लाइसेंस और बावे लाइसेंस रद्द किया जाएगा, उस होटल को सील कर दिया जाएगा। नहीं, हमने शराबबंदी की कभी बात नहीं की, अभी भी बात नहीं किया, अपने मैनिफेस्टो में पहले भी बात नहीं किया। हम चाहते हैं कि शराब का अवैध कारोबार ना हो। हम चाहते हैं कि शराब दुकानें ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हमारी बहू बेटियाँ देख ना सके। क्या होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट जा रहा है तो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये क्या है, यहाँ भीड़ क्यों है, तो बोले बेटा ये शराब है, दुकान है, बहुत गंदी चीज़ होती है। बोले मम्मी गंदी चीज़ है तो फिर इतने लोग पीते क्यों हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव उस बच्चे का उस शराब के प्रति हो जाता है। अच्छी बात है, शराब अगर बढ़ी हुई है तो कम लोग पियेंगे, तो ये इस पर अभी शराब नीति बनेगी, इस पर मैं कुछ भी कहूँगा ये जल्दबाजी होगा। अभी मुख्यमंत्री जी का शपथ होगा, हमारे आबकारी मंत्री बनेंगे, हमारे सेक्रेटरी रहेंगे, तो बैठ के कैबिनेट में शराब नीति को लेके कोई ना कोई बड़ा निर्णय होगा। उस नीति में क्या बदलाव आता है वो देखने को मिलेगा, तो जल्द आप देख पाएंगे। दूसरा,
रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आज बैठक हुई, जिसमें SDM, तहसीलदार और मेरे विधानसभा के सभी पटवारी उपस्थित थे। उनसे कह दिया गया है कि एक भी अवैध प्लॉटिंग 1 स्क्वायर फीट का भी मेरे विधानसभा पे नहीं होना चाहिए, और जो भी है कॉलोनाइजर के माध्यम से ही जो मेरी जनता है या बाहर की जनता है वो कॉलोनाइजर से ही कोई प्लॉट खरीदे या बेचे, और ज़मीन जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए पहल हो गया है। आपको जल्द आबकारी विभाग का, जैसे कल मैंने पुलिस प्रशासन के साथ एक बैठक की, शाम को आपको दिखा शहर में पूरी पुलिस दिखी, वैसा ही आबकारी विभाग का और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आपको आज और कल में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। नहीं नहीं, ये विषय तो पार्टी का होता है, मेरा सिर्फ आबकारी को लेकर नहीं, आबकारी मैं ये कहता हूँ, सड़क नाली बना देना ही विकास नहीं होता। जब तक सर्वांगीण विकास ना हो, हमारा शिक्षा व्यवस्था कैसा है, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, हमारी नगर निगम की व्यवस्था क्या है, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या पहल करता है, हमारे खाद्य विभाग का क्या पहल है, आबकारी नीति क्या है, सभी को लेके इसीलिए अलग अलग विभाग बनाया जाता है, और अलग अलग विभाग का जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा कोई भी विधानसभा सक्सेस नहीं होगा।